poppy straw concentrate means the material obtained after the poppy straw has been subjected to a process for the concentration of its alkaloid. यानी कि पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट से मुराद ये है कि उसको उसका जो अर्क निकाल दिया जाता है किसी भी प्रोसेस से, घोट कर, बॉयल करके, सरदाई बना के, कवा बना, किसी भी प्रोसेस से जो कंसंट्रेट करके उस पॉपी स्ट्रॉ से निकाल देते हैं, उस पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट कहते हैं. प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाई रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस जो है वो एक्ट के तहत जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं उससे मतलब प्रिस्क्राइब है. आगे कहता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या चीज़ आती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल. कानून के तालिबे इल्म आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी, मनकूला हो, गैर मनकूला हो, टेंजिबल हो, नॉट टेंजिबल हो, छुआ जा सके, वो अपनी वजूद ना रखती हो, ना छुआ जा सके लेकिन प्रॉपर्टी की शक्ल रखती हो, रियल स्टेट कोई जायदाद हो जिसे ज़मीन कहते हैं विदाउट प्रमिसेस कंस्ट्रक्शन, और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तर्ज की कोई भी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में शामिल है. टू में कहता है प्रॉपर्टी यूज टू कमिट और टू अबेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशमेंट, जो कोई भी इस एक्ट के तहत जुर्म का इर्तकाब के दौरान कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, जिस तरह अमूमन गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली जाती हैं, या उसकी अबेटमेंट की यानते जुर्म के सिलसिले में अगर कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो वो भी प्रॉपर्टी, इसी उस प्रॉपर्टी को उसमें डिस्कस किया गया. थ्री में कहते हैं ऑल काइंड्स ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी अप्रोप्रिएट बॉडी, कंपनी, फर्म, बिजनेस कंसर्न, सोसाइटी और फंड. इनमें तमाम शेयर्स, अमूमन मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को डिस्कस किया गया. कोई भी इंटरेस्ट ऑफ एनी कॉरपोरेट बॉडी, किसी भी कॉरपोरेट बॉडी का किस तरह कोई इंटरेस्ट, कोई मफाद वहाँ पे पड़ा हो, वहाँ उसको भी, या कोई इंटरेस्ट ऐसा हो वहाँ उस इंटरेस्ट को भी डिस्कस किया. कंपनी, फर्म्स, बिजनेस, किसी फर्म, कॉरपोरेट बिजनेस, कंपनी, फर्म, किसी जगह भी, किसी सोसाइटी में हो, किसी भी फंड में कोई ऐसा इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को भी शामिल. ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसे टाइटल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ऑफ लैंड, ज़मीन के, जो ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है, इंतकाल हो सकता है, या भी एम थ्री टाइटल डॉक्यूमेंट्स. गुड्स आर प्रॉपर्टी, कोई भी अशिया प्रॉपर्टी, वैन एवर सिचुएटेड मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. मनी आप समझते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद कोई भी चेक या ऐसा कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कोई स्टाम्प पेपर, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के जुमले, इशू बाई गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में इशू किया हो. आगे फोर में आगे जेड ए साइकोट्रॉपिक्स, साइकोट्रॉपिक्स को समझने के लिए उसने एक अलग शेड्यूल दे दिया गया है कि जो ऐसी अशिया जो साइकोट्रॉपिक्स के ज़ुमरे में आती हैं उनकी पूरी तफसील उस शेड्यूल में दे दी गई है, जिसमें कहते हैं मीन द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू दिस एक्ट एंड सच सब्सटेंसेस आर द फेडरल गवर्नमेंट नियर बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी साइकोट्रॉपिक्स. ऑफिशियल गजट के जरिए उस शेड्यूल में शामिल कर दें उस साइकोट्रॉपिक्स की ज़ुमरे में. जेड बी relative in relation to accused means the spouse or any lineal descendants of the accused and includes of any other person holding property of for or any of his behalf. इसमें जो समझने वाली चीज़ है इन रिलेटिव्स में डेफिनेशन में क्या शामिल किया गया, एक तो स्पाउस को समझ गए मियाँ बीवी का जो सिलसिला होता है, और एनी लिनियल डिसेंडेंट इसको समझने की ज़रूरत है, यानी कि भाई के बेटे बेटियां, बहन के बेटे बेटियां, इस तरह के जो डिसेंडेंट होते हैं वो लीनियल डिसेंडेंट में आते हैं. दी एंड इंक्लूड्स ऑफ एनी अदर पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा शख्स उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो और फॉर एनी बिहाफ, या उसकी बिहाफ पे कोई शख्स उस प्रॉपर्टी को रख दे, वो इस्तेमाल कर रहा हो या उस प्रॉपर्टी के उसके कस्टडी में हो, तो वो भी रिलेटिव्स के जुमरे में आएगा. अब कहते हैं स्पेशल कोर्स, स्पेशल कोर्स एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 46, पर सेक्शन 46 इस कानून की 46 के तहत गवर्नमेंट एम्पावर्ड करती है, उस कोर्ट को स्पेशल कोर्स कहते हैं. जेड डी ट्रेसिंग मीन्स द फाइंडिंग आउट द ट्रू नेचर एंड सोर्स डिस्पोजिशन मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ एसेट्स और इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द मूवमेंट और कन्वर्जन ऑफ एसेट्स बाई एनी मीन्स एंड ट्रेस शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली.
ट्रेस करना, किस किस चीज को ट्रेस करना बता दिया गया है, नेचर सोर्सेस को, डिपोजिशन को, मूवमेंट को, ओनरशिप ऑफ एसेट्स को, ये जितनी भी इससे मुतल्लिक चीजों को तलाश करना जो अमूमन इन्वेस्टिगेशन अफसर के जरिए किया जाता है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए किया जाता है, उन सब चीज़ों की इस सारी की ट्रैकिंग प्रोसेसिंग प्रोटेक्शन के जिम्मे में जितनी चीज़ें आती हैं उनकी मूवमेंट आप में आ जाए, उसकी डिपोजिशन में आ जाए, यानी कि उसकी ओनरशिप के एसेट्स, उन सब चीज़ों को ट्रेस करना की तारीख को इस डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों डेफिनेशन का चैप्टर जो है वो आज इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप डेफिनेशन को समझ भी गए होंगे। अगर किसी वर्ड की डेफिनेशन आपको समझ नहीं आई तो वो मुझसे आप डिस्क्रिप्शन के जरिए इनबॉक्स में जो है मैसेज छोड़ के पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल और बेल आइकॉन को दबाएंगे ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको हासिल हो सकें। आप वीडियो यकीन लंबी हो गई है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।